Hello students, welcome back. So today we shall do the chapter number 9, It's Raining, of class 3rd EVS, book Looking Around. So let us start it. Appu at bananas. Appu ek hathi ka naam hai. Appu likes bananas very much. Appu hathi ko bananas bahut pasand hai. He plucks and eats bananas from the trees every day. Vah har roz bananas todta hai aur khata hai. One day he saw that the banana trees were drooping. एक दिन उसने देखा कि जो बनाना ट्रीज है वो सूख गए हैं. It had not rained for a long time, क्योंकि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है. I must get water in my trunk, said Appu. अब अप्पू ने कहा कि मुझे मेरी ट्रंक में पानी भर के लाना चाहिए. He started walking towards the river. फिर वह नदी की तरफ चल दिया. Appu drank water till he was happy. अप्पू ने खूब सारा पानी पिया. He bathed his body with his trunk. और फिर उसने अपने ट्रंक से स्नान किया, नहाया. Then he carried water in his trunk and poured it on the banana trees. फिर वह अपने ट्रंक में अपने सोंड में पानी भरकर लाता है और उनको बनाना ट्रीज पर डाल देता है. As soon as the banana trees got water, they came alive. जैसे ही बनाना ट्रीज को पानी मिलता है उनमें एकदम से जान सी आ जाती है. अप्पू सेड, फ्रॉम नाउ आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे. अप्पू हाथी ने कहा कि मैं आज के बाद से रोज आपको पानी डालूंगा. आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी राइप एंड टेस्टी बनानास, क्योंकि तुम तो मुझे राइप और टेस्टी टेस्टी बनानास देते हो. और अप्पू हाथी को बनानास बहुत पसंद है. हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर. अप्पू हाथी को कैसे पता चला कि बनाना ट्रीज को पानी चाहिए. बनाना ट्रीज वर ड्रूपिंग, क्योंकि बनाना ट्रीज सूख रहे थे. दिस मेड अप्पू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर. इससे अप्पू को पता चला कि बनाना ट्रीज को पानी चाहिए. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर. आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे उगते हैं वो कहाँ से पानी लेते हैं. प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड आवर हाउस गेट वाटर फ्रॉम द रेन. वो बारिश से पानी लेते हैं. प्लांट्स ग्रोइंग इन द गार्डन्स आर वॉटर्ड बाय द पीपल. और हमारे जो गार्डन में पेड़ पौधे होते हैं उनको हम पानी देते हैं. अप्पू ड्रैंक वाटर फ्रॉम द रिवर टिल ही वॉज हैप्पी. अप्पू ने रिवर से पानी पिया. हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर वेयर. क्या आपने कभी किसी एनिमल को पानी पीते हुए देखा है और कहाँ. येस आई हैव सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर इन द स्मॉल पॉन्ड्स ड्रेन्स. स्ट्रे डॉग्स एंड बर्ड्स यूजुअली ड्रिंक वाटर फ्रॉम द रोड साइड और ओपन वाटर पॉट्स. हाउ डज रेन फॉर्म्स. बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश कैसे होती है. चलिए आज जानते हैं. बच्चों हमारे जितने भी वाटर रिसोर्सेज होते हैं जैसे ओशियन रिवर्स लेक्स पॉन्ड्स इन सब का पानी सूरज की गर्मी से भाप बन के ऊपर उठता रहता है और ये वाटर वेपर के रूप में एयर में आ जाता है. इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं. हीट फ्रॉम द सन वार्म अप्स द वाटर इन ओशियंस रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स एंड टर्न्स इट इंटू वाटर वेपर. ये पानी वाटर वेपर के रूप में एयर में आ जाता है और फिर बहुत ऊपर जाने के बाद ये वाटर वेपर ठंडे होकर क्लाउड्स बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं. कंडेंसेशन इज व्हेन वाटर वेपर टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर. ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्लाउड्स में इकट्ठे हो जाते हैं. क्लाउड्स के अंदर छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी होकर बड़ी बूंदें बन जाती हैं और जब ये बूंदें भारी हो जाती है तो बादल इन्हें रोक नहीं पाता है और ये बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती है. This process is called precipitation. Precipitation is water that falls in any form from the sky to the earth. ये किसी भी form में हो सकता है. It can be in water droplets or it can be in snowfall. First evaporation, जब पानी भाप बन के ऊपर जाता है फिर बादल बनते हैं और फिर precipitation यानी बारिश होती है और फिर ये cycle चलता रहता है और पानी एक साइकिल के रूप में घूमता रहता है. पहले इवेपोरेशन फिर कंडेंसेशन फिर प्रेसिपिटेशन फिर कलेक्शन. तो इसलिए हम इसे वाटर साइकिल भी बोलते हैं. हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल. क्या आपने कभी किसी एनिमल को पानी दिया है. इफ यस विच एनिमल. अगर दिया है तो किस एनिमल को. यस आई हैव गिवन वाटर टू बर्ड्स. मैंने बर्ड्स को पानी दिया है. In summers, I keep a pot of water on the roof of my house.
सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर बाय एनीवन, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनको कोई पानी नहीं देता। फ्रॉम वेयर डू दे ड्रिंक वाटर, तो आपको क्या लगता है कि वो कहाँ से पानी पीते होंगे? एनिमल्स दैट आर नॉट गिवन वाटर बाय एनीवन ड्रिंक वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, रेन वाटर कलेक्टेड इन स्मॉल पूल्स एंड ड्रेन्स। जिन एनिमल्स को पानी नहीं दिया जाता है वो रिवर से, लेक से, पॉन्ड से और बारिश का पानी उन्हें जहाँ कहीं भी इकट्ठा मिलता है वो वहाँ से पानी पीते हैं। यू रीड इन द स्टोरी दैट अप्पू वाटर द बनाना ट्री, हमने पढ़ा कि अप्पू ने बनाना ट्री को पानी दिया। बट एलिफेंट्स डोंट वाटर ट्रीज, लेकिन एलिफेंट्स ट्रीज को पानी नहीं देते। देन वेयर डू प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम, तो प्लांट्स कहाँ से पानी लेते हैं? प्लांट्स मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम रेन, ज़्यादातर तो प्लांट्स बारिश से ही पानी लेते हैं। When it rains, plants seem to get a new look. जब बारिश होती है तो पेड़ और भी ज़्यादा हरे भरे लगने लगते हैं। अब एक छोटी सी पोएम है क्लाउड्स। Fair and white, grey and black, the clouds arrive in a magic pack. जो क्लाउड्स है कभी फेयर और वाइट दिखते हैं, कभी ग्रे और ब्लैक दिखते हैं और वो मैजिक की तरह आते हैं। एलिफेंट्स एंड हॉर्सेज, डॉग्स एंड फॉन्स, कभी कभी वो एलिफेंट्स और हॉर्सेज के जैसे दिखते हैं और कभी डॉग्स और फॉन्स के जैसे, फॉन्स यानी हिरन के बच्चे के जैसे। समटाइम दे लुक लाइक ए पेयर ऑफ स्वान्स, और कभी कभी वो स्वान्स के पेयर के जैसे दिखते हैं यानी कि हंस के जोड़े के जैसे। इन मोमेंट्स दे कम, इन मोमेंट्स दे गो, और कभी कभी वो एक ही पल में आते हैं और एक ही पल में चले भी जाते हैं। सम टाइम दे फ्रीज एंड फोर वीक्स दे स्टे, और कभी कभी वो कई सप्ताहों तक रहते हैं। एंड सम टाइम्स दे डिसअपीयर फॉर मैनी ए डे, और कभी कुछ दिनों के लिए गायब ही हो जाते हैं। सम टाइम दे पोर, और कभी कभी वो भारी बारिश करते हैं। सम टाइम दे थंडर, और कभी वो बिजली चमकाते हैं। स्प्रेडिंग द कलर्स इन अ रेनबो ऑफ वंडर, और कभी कभी वो रेनबो भी बनाते हैं। एंड सम टाइम दे हेल पेल्टिंग द ग्राउंड, और कभी कभी तो वो बहुत मूसलाधार बारिश करते हैं और ओले भी गिरते हैं। और ब्रेकिंग द ग्लास इन रिंगिंग चाइम्स, और कभी कभी तो ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि गाड़ियों के शीशे तक तोड़ देते हैं। द पोइट सॉ मैनी थिंग्स इन द क्लाउड्स, पोइट ने बहुत सारी चीज़ें देखी क्लाउड्स के अंदर। हैव यू एवर सीन एनी थिंग इन द क्लाउड्स, क्या आपने भी कभी कुछ देखा क्लाउड्स के अंदर? वट, क्या देखा है? वट ऑल डू द क्लाउड्स डू, क्लाउड्स हमारे लिए क्या करते हैं? क्लाउड्स ब्रिंग रेन फॉर अस, क्लाउड्स हमारे लिए बारिश लेके आते हैं। हैव यू एवर सीन ए रेनबो, क्या आपने कभी रेनबो देखा है? वेन कैन यू सी ए रेनबो, आप कब रेनबो देख सकते हो? येस आई हैव सीन ए रेनबो, वन कैन सी द रेनबो जस्ट आफ्टर रेन्स, हम रेनबो बारिश के तुरंत बाद देख सकते हैं। How do you feel when it rains? आपको कैसा लगता है जब बारिश होती है? We feel happy when it rains. Apart from clouds, what do you see when it rains? हम clouds के अलावा और क्या चीज़ें देखते हैं जब बारिश होती है? Apart from clouds, we also see lightning when it rains. Clouds के अलावा हम बिजली भी चमकते हुए देखते हैं। What happens when it rains? क्या होता है जब बारिश होती है? When it rains, the day becomes cooler. है ना, दिन एकदम ठंडा हो जाता है। डार्क क्लाउड्स हूवर इन द स्काई, एकदम से काले काले बादल इधर उधर घूमते हैं। फ्रॉग स्टार्ट सिंगिंग इन देयर रेन सॉन्ग, और जो फ्रॉग होते हैं, मेंढक होते हैं, वो अपना गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड सम टाइम एक्सेस रेन केजेस फ्लड्स, और कभी कभी ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ भी आ जाती है। वैन इट रेन्स मेकिंग पेपर बोट्स एंड फ्लोटिंग दैम ऑन वाटर इज रियली फन इजेंट इट, जब बारिश होती है तो हम पेपर बोट बनाते हैं और कितना मज़ा आता है। मेक ए पेपर बोट एंड फ्लोट इट ऑन वाटर, तो आपको भी एक पेपर बोट बनानी है और आपको उसको पानी के ऊपर चलाना है। हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेन्स, क्या आपको कभी बारिश के दौरान समस्याएं हुई हैं? हैव यू सीन एनी वन एल्स हैविंग एनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू रेन्स, क्या आपने कभी किसी और को बारिश की वजह से समस्या में देखा है? ड्रा अ पिक्चर ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द रेन, तो यहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंस की कोई भी पिक्चर ड्रॉ करनी है। आजकल आपने देखा होगा कि आसाम में बाढ़ आई हुई है और लाखों लोगों के घर पानी में डूब गए हैं और उनको घरों से बेघर होना पड़ रहा है। और शहरों में भी ज़्यादा बारिश आने से सड़कों पर पानी भर जाता है और लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस की कोई भी पिक्चर ड्रॉ करोगे। सो दिस वॉज द चैप्टर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।